हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और आपकी दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली की वीडियो, और इसको देखना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ फ्रेंड्स के घर जाने के लिए। अब मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ उनको दिवाली विश करने के लिए जा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। अब ये भव्या जो है मेरी बेटी अपनी लाइट लगा रही है, इसको घर सारे घर में लाइटें चाहिए। अब रूम के गेट पे ये लाइट लगाएगी, ये सारी लाइटें अपने आप अकेले लगा लेती है। पहले सब लाइट को ये चेक करेगी, उसके बाद सारे घर में ये लाइट लगाएगी। रूम के गेट पे लाइट लगाएगी पहले ये, साथ में अपनी मस्ती भी करती रहती है और लाइट लगाएगी। ये देखो अकेले ही लाइट लगा रही है, और लाइट लगाने के बाद ये रंगोली भी बनाएगी। इससे मेरा भी काम आसान हो जाता है। जब से ये बड़ी हुई है तो मेरे को बहुत हेल्प मिलने लगी है, बेटे बहुत हेल्प करती है। अभी एलेक्सा में गाने भी सुन रही है और साथ में अपना काम भी कर रही है, डांस भी कर रही है। अब देखो ये रंगोली बनाने लग गई है, बहुत अच्छी रंगोली बनाई है मेरी बेटी ने। फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके मुझे बताना कि आपको रंगोली कैसी लगी। मैंने इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है, क्योंकि मैं मुझे और भी काम थे, इसलिए ये रंगोली इसने अकेले ही नहीं बनाई है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये रंगोली कैसी लगी। और इसने ये छोटी सी एक फूलों की रंगोली भी बनाई है। उसके बाद मैं लग गई हूँ शाम की पूजा की तैयारी में। ये मैंने माता लक्ष्मी की चौकी सजा दी है और माता लक्ष्मी को बैठा दिया है चौकी पे। अब सारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं मैं और मम्मी जी, क्योंकि शाम को फिर पूजा होनी है। और थोड़ी पहले, सबसे पहले पूजा हमारे यहाँ नीचे होती है और फिर सब लोग ऊपर आते हैं पूजा करने के लिए। देखो सारी तैयारी कर रहे हैं हम सब, कि कोई सामान ना रह जाए पूजा में, इसलिए सारी तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद सब पूजा करेंगे। वैसे तो मैंने सारा सामान रख लिया है, फिर भी कोई सामान रह ना जाए तो ये देखना पड़ता है। और अब पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब मैं आपको अपना घर की लाइटें दिखाती हूँ। ये देखो भव्या ने कैसे लाइट लगा दी है, अब आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा ड्राइंग रूम, आप देखो ये ड्राइंग रूम है। और अब मैं दिखाती हूँ, ये देखो भव्या ने जो लाइटें लगाई थी, अब देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, कितने अच्छे तरीके से इसने सारी लाइटें लगा दी हैं। रूम के गेट पे इसने सारी लाइट लगाई है, और ये दिए रखे हुए हैं रात को जलाने के लिए। दिवाली पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सबके लिए। ये देखो ये दिए रखे हुए हैं। अब सारी डेकोरेशन हो चुकी है, बस अब शाम की पूजा स्टार्ट होने वाली है। अब हम मेरी छोटी सी गाय भी रखी हुई है मैंने, और ये अब हम पूजा स्टार्ट होने वाली है। पूजा की सारी तैयारियां कर चुके हैं हम। अब ये देखो सब पूजा करने के लिए आ चुके हैं ऊपर, और पापा को थोड़ा धुएं से प्रॉब्लम है इसलिए वो थोड़ा उठ गए हैं और पूजा में से। अब बाकी सब लोग पूजा करेंगे और आरती करेंगे। हमारे यहाँ आरती बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है। ये देखो सब पूजा करने के बाद फिर आरती की जाएगी। ये तो सब पूजा कर रहे हैं, आरती की बुक आ चुकी है। और अब ये हमारे बड़े भाई जी शंख बजाएंगे, हमसे तो बचता नहीं है, ये बहुत अच्छे से बजा देते हैं। तो बहुत अब पूजा हो चुकी है, अब हम दिए जलाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें भव्या मेरी हेल्प करेगी। भव्या और मैं दिए जला रहे हैं। देखो भव्या ने सारे दिए जला लिए, अभी सब जगह
रखनी चाहिए। दिवाली पर सारे घर में ही दिए रखे जाते हैं, कहीं भी दिया सब जगह सब चौखट पे रखे जाते हैं, छत पे भी रखे जाएंगे, नीचे भी रखे जाएंगे, तो सब जगह ये चली दिए रखने के लिए। इसको वैसे भी बहुत शौक होता है सारा काम, इस तरह के काम करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है इसको। अब सारी दिए ये अकेले ही रखेगी, थोड़ी हेल्प करा दूँगी मैं इसकी। अभी रंगोली में देखो कितनी सुंदर दिए, अब कितनी प्यारी रंगोली लग रही है। अब मैं जा रही हूँ पूरी बनाने के लिए, फिर उसके बाद पूरी बनाने के बाद खाना खाएंगे और फिर छत पर पटाखे चलाने जाएंगे। और अभी हम दोनों रंगोली में दिया रख रहे हैं, ये देखो फूलों की रंगोली में ये छोटी सी रंगोली बनाई थी, अभी दी और लेके छत पर रखने जा रही है, छत पे भी रखेगी, थोड़ा सब जगह दिए रखने हैं, दिए से पूरा घर सजाना है। अब देखो हम सब जगह दिए रख रहे हैं, और ये दिए रख दिए हैं, अब हम सब जगह दिए रखे जाएंगे। उसके बाद ये देखो अपनी रंगोली में दिए रख रही है वो, मेरे भी Okay.